गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू सक्सेना और आपका मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ गाइज, उस मेडिसिन का नाम है SBL कंपनी की फाइव फॉस मेडिसिन। इस मेडिसिन में फाइव मेडिसिन हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या काम करती हैं, आप उसको खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको, क्या आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है SBL कंपनी की ये वाली मेडिसिन फाइव फॉस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन आप लीजिए, ये मेडिसिन बहुत फ़ायदा है लोगों को, इससे लोग मुझे बताते हैं, मेरे पेशेंट्स को मैंने प्रिस्क्राइब किया है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप इसको जनरली भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपके लिए काम तब आएगी जब आपको वीकनेस होगी या आपकी मसल वेस्टिंग हो रही होगी, या जनरली आपको लगता होगा कि आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, या कोई आपको प्रॉब्लम रही होगी पहले, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा तकलीफ होने लगी है, जल्दी से आप लोग थक जाते हैं, एनेमिक हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को लेकर ही मेडिसिन काम करती है। इसमें पांच मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन का नाम मैं आपको बता देती हूँ। कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, काली फॉस, मैग्नीशिया फॉस और नेटम फॉस, ये पांच मेडिसिन से बनी है, तभी इसका नाम फाइव फॉस है। तो इन मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो कैलकेरिया फॉस है ये आपकी बोन्स के लिए काम करती है, ये आपकी बोन्स में न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फेरम फॉस है, फेरम फॉस आपके ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फेरम फॉस में अब जैसे फेरम फॉस होती है वो जनरली लोग जो एनेमिक होते हैं वो लोग लेते हैं, जो आयरन की जिसमें कमी होती है वो लोग यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन। देन काली फॉस इज़ अ नर्व टोनिक, ये आपकी जो नर्व्स होती हैं उनमें आपको स्ट्रेंथ देती है आपकी नर्व्स को। देन मैग्नीशिया फॉस आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन उसके बाद नेटम फॉस अगर आपका बीपी लो रहता है, जनरली वीकनेस लगती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो सारी मेडिसिन हैं ये सब टिश्यू बिल्डिंग करती हैं आपकी बॉडी में। टिश्यू बिल्डिंग यानी कि आपकी बॉडी में से आप अगर दुबले हो रहे होते हैं तो आपको उसमें स्ट्रेंथ देगी, आपके मसल को स्ट्रेंथ देगी और टिश्यूज डेवलप करेगी, यानी कि आपकी बॉडी की मसल्स को डेवलप करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मस्कुलर हट्टा कट्टा बना देगी, लेकिन हाँ ये आपके मसल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। देन ये एक टॉनिक है ब्रेन के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है काली फॉस, ये नर्व टिश्यू मेडिसिन होती है, ये आपके नर्व्स को, जो आपके नर्व्स होती हैं, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन पहुंचाती है, और ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैंने जितने लोगों को ये दिया है, जनरली लोग दो डिब्बे जब ख़त्म कर लेते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे बहुत आराम है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप ये लीजिए, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 95 रुपीज़ की आती है, और आप चार टेबलेट दिन में तीन बार खाइए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप जिस होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाते हैं उनको दिखा के आप पूछ सकते हैं कि आप कितनी बार खा सकते हैं, जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे खाएं, और नहीं तो आप मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कितना डोज कैसा लेना चाहिए। बाकी आप इस मेडिसिन को लीजिए, ये मेडिसिन अच्छी है और आपको फ़ायदा ज़रूर करेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।